गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 23rd of August 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहां पे करने वाले हैं। तो दोस्तों कोविड 19 से अभी तक हमारा पीछा छूटा नहीं था, एक नया फ्लू आ गया है जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। तो पहले टॉपिक में छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बात बोली है उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटेड सा है इसलिए ज्यादा समय इसमें नहीं देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो मिनट का टॉपिक है। चाइना ने जो है इंडिया के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है चाइना में पढ़ने के लिए दोबारा से, तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। दिल्ली की एक्साइज ड्यूटी है, देखो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल वगैरह देने के मेंस में हमारे काम आ जाता है इस तरह की चीजें। तो दिल्ली में जो एक्साइज ड्यूटी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, वहां पर सीबीआई वगैरह का रेड पड़ी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। इंडिया ईरान रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम लोगों ने अभी पुश किया है, पहले काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे हमारे, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उस पूरे चीजों के बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। और आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है दोस्तों वो होने वाला है आंगनवाड़ी सिस्टम के बारे में। अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले कभी बात नहीं किया है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे आंगनवाड़ी किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां से जो है मेंस के लिए हम एक आंसर भी लिखने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहां पे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह आपसे दो बात बोलना चाहूंगा, पहली बात तो वही है कि आपने इस सबने वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। एक चीज आपको बताता चलूं कि हम लोगों ने आपका अपना जो है फाउंडेशन कोर्स मतलब सॉरी एनसीईआरटी का कोर्स जो है लॉन्च किया है, 6th स्टैंडर्ड to 12th स्टैंडर्ड हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। इस एनसीईआरटी को हम लोग अपना बेसिक से करवाएंगे क्योंकि आज सबको पता है अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। एक बार अगर आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आराम से जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, फाउंडेशन आपका बन जाता है। 11th सितंबर से शुरू करने वाले हैं अगले महीने से और मेंस 2023 तक ये वैलिड रहने वाला है। अगर किसी को भी अगर इसके एडमिशन वगैरह लेना है तो ये फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लाइव सेशंस होने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेंगी। लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि आप टीचर से उसी समय क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्शन का तो मजा अलग ही होता है ना, रिकॉर्डेड की बात अलग होती है। चल आगे बढ़ते हैं। कल आपसे कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने पूछे थे तो उसके आंसर आपको मैं बता देता हूं कि जो पोर्तुगीज पावर को फाउंडेशन किया गया था वो किया गया था अल्फोंसो अल्बुकर्की के बारे में। इस आम को आपने खाया होगा, इनके नाम पे ही उस मैंगो का नाम भी पड़ा हुआ है। वास्को डी गामा को सबसे पहले जो है ज़मोरिन जो है वहां के लोकल रूलर हुआ करते थे तो उन्होंने इनका स्वागत किया था। उसके अलावा जो अरब्स और इजिप्शियंस को जो पोर्तुगीज गवर्नर ने डिफीट किया था तो उनका नाम था एफ डी अल्मेडा। और भैया जो पहला ट्रेडिंग सेंटर ओपन किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो किया गया था मछलीपट्टनम के अंदर। डच का मतलब वैसे आज हम लोग क्या कहते हैं डच, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, हॉलैंड को डच बोलते हैं या नेदरलैंड को डच बोलते हैं, ठीक है कमेंट सेक्शन में बताइए, मजा आएगा। आज के जो हम लोगों ने ऐड किया है आज के तीन क्वेश्चन वो भी एक्चुअली हिस्ट्री से ही है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं था तो मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। तो बाबर ने जो है मुगल एम्पायर की जो स्थापना हुआ है किसको डिफीट करके किया था, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज विद इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, आपको बताना है उर्दू अरेबिया पर्शियन और हिंदी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर, दीवाने खास जबती इकता और जकत, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बता सकते हो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है तो आपने इजिली इसको बता सकते हो। खैर पहला टॉपिक भी बढ़ते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक है टोमेटो फ्लू डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया सेज लैंसेट। देखिए लैंसेट क्या है, एक इंटरनेशनल वैसे तो अमेरिकन बेस्ड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, मैगजीन कह सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो। तो इसने कहा है कि इंडिया में टोमेटो फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। ये टोमेटो फ्लू होता क्या है, देखिए ये वायरस नहीं है, ठीक है वायरस इन द सेंस कोविड 19 टाइप का नहीं रहता है, ये फ्लू है। फ्लू का मतलब समझ लें आपके बेसिकली बुखार होता है, इसके सबसे ज्यादा सिम्टम्स बुखार के होते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, देखिए बच्चे का हाथ है तो बच्चों के हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर जो है ये ना एक रेड कलर के थोड़े से ऐसे निशान बन जाते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। धीरे धीरे जो है ना ये जो निशान है वो बड़े होते रहते हैं और ये जो है टोमेटो की शेप ले लेते हैं, इस तरह का लगता है ना, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं थोड़े बड़े बड़े एनलार्ज हो जाते हैं, इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू कहते हैं क्योंकि इसकी इसकी कलर के हिसाब से इसकी शेप के हिसाब से, और इसमें कोई खास रीजन नहीं है।
सबसे पहला इंडिया में जो टोमेटो फ्लू का केस हुआ था वो केरला के अंदर डिटेक्ट किया गया था, और इसके जो सिम्टम्स हैं लगभग लगभग कोविड-19 जैसे ही होते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपको हाई फीवर होगा, रैशेज होंगे, थोड़ा पेन भी हो सकता है जॉइंट्स वगैरह में, है ना, और फटीग हो सकता है, थकान वगैरह महसूस हो सकती है, तो कुछ इस तरह के जो है इसको हो सकते हैं, कोविड-19 टाइप के ही होते हैं। लेकिन यूजली क्या होता है, कोविड-19 का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वायरस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन बच्चों को चिकनगुनिया वगैरह हो जाता है या डेंगू वगैरह हो जाता है, उसके बाद वाले ना आफ्टर इफेक्ट होते हैं। चिकनगुनिया अगर किसी बच्चे को हो जाता है, उसके बाद में उस बच्चे को टोमेटो फ्लू भी हो सकता है, ठीक है। बच्चों को होता है, एडल्ट्स को नहीं होता है यूजली, क्योंकि एडल्ट्स की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनको यूजली नहीं होता है। ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखा जाना चाहिए, ठीक है। और होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को टोमेटो फ्लू है? देखिए, जब बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, अब माँ बाप को तो नहीं पता होता कि टोमेटो फ्लू है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता है, तो डॉक्टर कई सारे टेस्ट करवाता है बच्चे के। पहले आपका डेंगू टेस्ट होगा, चिकनगुनिया का टेस्ट होगा, जीका वायरस का टेस्ट होगा, है ना, आपका जोस्टर वायरस का टेस्ट होगा, हर्पीस का टेस्ट होते हैं। जब ये सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, तो डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे को टोमेटो वायरस हो गया है, ये टोमेटो फ्लू हो गया है, तो ये कंफर्म कर दिया जाता है। यूजली इसके लिए ऐसा कोई दवाइयां वगैरह वैसे तो नहीं होती हैं, चिकनगुनिया डेंगू वगैरह के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वही दी जाती हैं, कोई इसके लिए वैक्सीन वगैरह भी नहीं होता है। और यूजली ये बहुत घातक नहीं होता है, बहुत थ्रेटनिंग नहीं होता है, अपने आप ही कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको टोमेटो वायरस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है ये, हमें आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पहले से पता ही है। हुआ मामला ये था दोस्तों कि हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन था, इसको जो है बैन कर दिया गया है बाय फीफा, राइट। और इंडिया में अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप होने वाला था फुटबॉल का, जो अभी तो लगभग आप ये समझ लीजिए कैंसिल हो ही गया है एक तरह से, अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो सकता है। तो मामला कुछ ये बन रहा था कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी उनकी लोकल फुटबॉल फेडरेशन होती है या वो उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, समझ रहे हो ना, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर जिनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, और वो फ्री होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन था उसके अंदर पिछले 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे, तो जो कि इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट में है। दूसरी बात, अब ये मामला चला गया पूरा दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, एक 3 मेंबर की कमेटी बना दी जिसे कहा जाता है COA। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसकी जो डेली वर्किंग होगी अभी वो कौन चेक करेगा, COA। इस सीओ के अंदर हमारे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, हमारे जो है एक्स इलेक्शन कमिश्नर भी थे, एक दो लोग और भी थे, 3 लोग कुल मिला के थे। लेकिन अब ये इलेक्टेड मेंबर तो नहीं है, है ना, ये तो जुडिशरी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसने कहा कि भैया ये जो 3 मेंबर की आपने कमेटी बनाई है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, ये अपॉइंटेड है। तो उन्होंने इंडिया को धमकी दिया, और फिर बाद में जाके उन्होंने 15 अगस्त को हमारी जो AIFF है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे क्या डिसीजन लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि माई बाप जो ये COA है आप प्लीज इसको रोक दीजिए, क्योंकि अगर सीओ ने वर्किंग करना शुरू कर दिया तो सिर्फ फुटबॉल ही नहीं भैया, इंडिया का पूरा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी बैन हो सकता है। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये जो COA था, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो है इसके ऊपर रोक लगा दी, जल्दी से जल्दी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाए जाएंगे, ताकि जो वीमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में वो हो सके। अगर नहीं कराया जाएगा तो भैया इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन भी बैन हो सकता है, और फुटबॉल फेडरेशन तो बैन हो ही चुका है, तो एक तरह से हमारे लिए ह्यूमिलेशन भी है एक तरह से ना देखा जाए तो। तो कुल मिला के जिस्ट मतलब समरी वो यही बनती है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इनके अंदर जो इनकी जो कमेटी होती है जिनको चलाती है वो इलेक्टेड होनी चाहिए, अपॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन करवाए जाए पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है। इसी के लिए पूरा हंगामा यहाँ पे हो रहा है, पिछले 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इवन ऐसा भी माना जाता है कि जो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल थे जो पिछले 10-12 साल से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन बने हुए थे,
क्योंकि वो इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है ना उसके अंदर भी उनकी काफी जानकारी है, ऐसा कहा जाता हो, मतलब मुझे नहीं पक्का पता है लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज कह रही हैं कि हो सकता है प्रफुल्ल पटेल ने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर अपने पद का यूज करते हुए इंडिया को ये बैन करवाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट जो न्यूज देख रहा था आपको मैंने बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। चाइना इजीज वीजाज बैन इन अ बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया वगैरह है, ठीक है, हम लोगों ने कोविड के लिए पॉलिसी अलग अपनाई थी, ठीक है, लेकिन चाइना के अंदर जो पॉलिसी है कोविड को लेके, उसे कहा जाता है भैया जीरो टॉलरेंट पॉलिसी। ठीक है, चाइना के अंदर क्या होता है, जब भी किसी के सिटी के अंदर दो चार केस डिटेक्ट कर लिए जाते हैं तो चाइना उस पूरी सिटी को पूरी तरह से सील कर देता है, लोग स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि चाइना के अंदर जो है वो जीरो पॉलिसी है, जीरो कोविड पॉलिसी है। लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर तो ऐसा नहीं है, यूरोपियन कंट्री के अंदर ऐसा भी नहीं है। केस आते रहते हैं, सोल्व होते रहते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है, मोस्ट लोगों की इम्यूनिटी मिल गई है। तो हुआ यह था 2019 में जब चाइना के अंदर, मतलब 2020 के स्टार्टिंग में जब चाइना के अंदर कोविड के केसेस आने स्टार्ट हुए थे, तो इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना के अंदर जो विदेशों से पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, तो अपने अपने देश चले गए थे। अभी तक पिछले 2-2.5 साल में वो लोग चाइना में नहीं गए हैं। इंडिया के 23,000 स्टूडेंट चाइना में पढ़ते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये सच्चाई है, और ये ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, है ना। यूक्रेन में आपने देखा होगा कितने सारे स्टूडेंट जो है यूक्रेन रशिया में पढ़ते थे, 40,000 के लगभग लगभग, तो एमबीबीएस करने के लिए बेसिकली वहां पे जाते हैं। अब समझ के देखिए इंडिया में एमबीबीएस करना कितना महंगा है, 1 करोड़ का खर्चा आ जाता भी आपका, वहीं पे आपकी एमबीबीएस जो है 30-35 लाख में हो जाती है, कितना पैसा आपका बच जाता है। तो 23,000 स्टूडेंट जो है इंडिया में वापिस आ गए थे, पिछले 2.5 साल से यहीं पे थे वो बेचारे। बार बार हम लोग चाइनीज एम्बेसी को, चाइनीज गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका तो भैया सीधा सा कहना था, जब तक चाइना में केस आते रहेंगे हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसा अंदाजा भी लगा रहे थे, क्योंकि इंडिया ने चाइनीज का, चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह को बैन कर दिया है, और उनकी जो मोबाइल कंपनी हवाई उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले रहे हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन चाइना ने कहा कि देख ऐसा कोई रीजन नहीं है, और इंडिया से उसको कोई खास दुश्मनी भी नहीं है। कई सारी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अभी चाइना के एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही इनके जो स्टूडेंट थे वहां पे, इसलिए इनका वीजा शुरू हो सकता है, ठीक है, वीजा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो बच्चे तो खुश हैं ही, सरकार भी खुश है, लेकिन अभी थोड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। देखिए चाइना में ना जो है अलग अलग तरीके, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, ऐसे चाइना के अंदर प्रोविंस होते हैं अलग अलग। तो वहां की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जहां पे वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अभी भी कई सारी यूनिवर्सिटीज, देखिए हो सकता है किसी एक प्रोविंस के अंदर वो आपको अलाउ कर दे, लेकिन दूसरे प्रोविंस के अंदर वो आपको अलाउ ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस। अगर वो आपको आपको सर्टिफिकेट दे देती है तो आप अलाउ हो, नहीं सर्टिफिकेट देती है तो आप अलाउड नहीं हो। ये तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और है कि चाइना से अभी तक इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जैसी पहले हुआ करती थी कोविड से पहले। अभी आपको ट्रांजिट फ्लाइट लेना पड़ेगा, मतलब जैसे आपको इंडिया से पहले सिंगापुर जाना पड़ेगा, सिंगापुर से चाइना जाओ, पहले सिंगापुर से हांगकांग जाओ, फिर हांगकांग से चाइना जाओ, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। खैर वो एक अलग बात है। क्वारंटाइन जो पहले 21 दिन के लिए होता था उसको घटा के अभी 10 दिन के लिए कर दिया गया है। मतलब कुछ कुछ यहाँ पे एक रिलीफ मिला है स्टूडेंट्स को, जो इतने साल से बेचारे इंडिया में पड़े हुए थे, कुछ काम तो उनका उनसे हो नहीं रहा था, तो खैर अब कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, उनकी लाइफ कुछ बनेगी, है ना, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने आता है दोस्तों, द कंट्रोवर्सी अराउंड दिल्ली एक्साइज ड्यूटी। तो ये दिल्ली में भैया जो हंगामा आजकल हो रहा है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सिसोदिया जी, तो उनके ऊपर रेड पड़ी है। वो उन सभी के सेंटर में एक ही चीज है, वो क्या है, दारू के ठेके, है ना। जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो एक्साइज पॉलिसी थी दिल्ली की, जिसे न्यू एक्साइज पॉलिसी कहा जाता है, इसकी ये कंट्रोवर्सी में है। एक्चुअली जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी, और इस साल जो है 31 मार्च को इसको एंड कर दिया गया, ठीक है, 31 मार्च में नहीं जुलाई में इसको एंड कर दिया गया। मतलब 1 अगस्त के बाद जो है दिल्ली में बहुत सारे ठेके बंद हो गए हैं, तो 31 जुलाई तक इसको एंड कर दिया गया। ये न्यू पॉलिसी क्या थी क्या नहीं थी थोड़ा आपको बताता चलूं। देखिए इस न्यू पॉलिसी से पहले दिल्ली में ओल्ड पॉलिसी चल रही थी,
उस ओल्ड पॉलिसी के तहत क्या होता था, कुछ जो ठेके होते थे, जो वाइन शॉप्स होती थी, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती थी, कुछ उसमें प्राइवेट होती थी, ठीक है। अब उसके अंदर जो है सरकार को बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे नहीं मिलता था। ये जो एक्साइज का पूरा डिपार्टमेंट है ये सिसोदिया जी के हाथ में था। इन्होंने कुछ लोगों ने इनको सलाह दिया होगा तो इन्होंने क्या किया, नवंबर के महीने में एक नई पॉलिसी लॉन्च किया जिसे कहा जाता है न्यू पॉलिसी। इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस थे आपको दो चार बता देता हूं। पहली बात इन्होंने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो है इस पूरे बिजनेस से पूरी तरह से एग्जिट कर दिया गया। मतलब दिल्ली में जो भी दारू की दुकानें, जो भी लिकर वेंडर्स होंगे वो पूरी तरह से प्राइवेट होंगे, तो सरकारी जितने भी ठेके थे वो बंद कर दिए गए, राइट। पहला तो इन्होंने इसके अंदर ये किया। दूसरा इन्होंने ये किया कि जो फीमेल सिटीजन थी है ना, उनके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट किए गए। अगर आप दिल्ली में, कभी तो बंद हो गए हैं, थोड़े समय पहले जाते तो मेल और फीमेल दोनों अलग लाइनें लगाई जाती थी और हर प्राइवेट ठेके के बाहर दो तीन बाउंसर भी होते थे। तो जो फीमेल सिटीजन है जो कि जाती है वाइन शॉप पे परचेज करने के लिए, उनके लिए जो है अलग लाइन होती थी, सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा जाता था। दिल्ली में बहुत बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो वहां पे फीमेल की लाइन जो है लंबी होती थी, मेल्स की लाइन कम होती थी। और क्योंकि सेफ्टी कंसर्न रहता है तो इसलिए महिलाएं जो है अभी जाने से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, तो भी अपना आराम से जो है एंजॉय कर सकती हैं। दूसरी चीज, पहले दिल्ली में जो है 20 ड्राई डेज हुआ करते थे, जिसको घटा के जो है सिर्फ तीन कर दिया गया। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती वगैरह सिर्फ तीन कर दिए गए। तो इससे क्या होता है, इससे इनकम होती है ना, तो 17 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं लोगों को दारू खरीदने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारे की सारी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था। दूसरी चीज ये हुआ, दिल्ली में क्या था, कुछ म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर जो है ज्यादा जो है लिकर वेंडर्स हुआ करते थे, कुछ के अंदर काफी कम हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो जो चीजें चल रही थी इसको बंद कर दिया। तो इन्होंने कहा हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हर म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर जो है कम से कम 2 लिकर शॉप्स होंगी, इससे सबके अंदर जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो इन्होंने ये कहा, इसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली में पहले जहां 630 लिक्वर वेंडर्स हुआ करते थे उनकी संख्या बढ़ गई 850 के आसपास हो गई, और ये सारे के सारे प्राइवेट ओन्ड हुआ करते थे। इसमें इन्होंने एक दो तीन चीजें और किया कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह था उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से दारू जो है वो सस्ती हो गई। दूसरा इन्होंने जो है डिस्काउंट को अलाउ कर दिया। पहले क्या होता था, दिल्ली में जो भी दारू बिका करती थी वो MRP के ऊपर बिका करती थी, MRP से आप उसको नहीं बेच सकते थे। इन्होंने बाद में क्या किया, प्राइवेट जितने भी लीकर वेंडर्स हुआ करते थे उनको अलाउ कर दिया कि आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो दिल्ली में जो है एक के ऊपर एक दारू फ्री मिलने लगी, एक बियर के ऊपर एक बियर फ्री मिलने लगी, तो वो डिस्काउंट देने लगे, जिसकी वजह से उनका रिवेन्यू वगैरह वो सब चीजें हुआ। तो इन्होंने ये चीजें कही। एक चीज इसके अंदर और चेंज किया गया था कि पहले क्या होता था, एक आदमी सिर्फ एक ही लाइसेंस ले सकता था लिकर शॉप के लिए, लेकिन उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया, एक आदमी जो है 2-3 भी ले सकता है। अब इन सारी, ये तो आपका पता चल गया पॉलिसी क्या थी, अब इस पॉलिसी में कंट्रोवर्सी कहाँ हुई वो थोड़ी देखने वाली बात है। कंट्रोवर्सी तो एक, इन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट वेंडर्स थे, ठीक है, इनका इनकम जनरेट हुआ, इनकम इनका इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया ब्राइब के रूप में, ब्राइब के रूप में। अभी जो है 15-16 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके अकाउंट वगैरह चेक किए गए, और कई करोड़ों रुपए की जो है यहाँ पे हेरा फेरी हुई है, अकाउंट इधर उधर हुए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़े गए हैं। तो इनका कहना है कि तो ये उन्होंने ब्राइब लिया है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जब दिल्ली में ठेके ज्यादा हो गए तो लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, जहां पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच जो है एक वाइन लीकर वेंडर ओपन हुआ था, बीचों बीच जहां पे पहले नहीं था। तो वहां पे महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, ओल्ड एज पीपल भी आते हैं, तो रात को लोग ज्यादा दारू कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। दूसरा ये हुआ, दिल्ली में स्कूल्स के आसपास, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास भी जो है कुछ वेंडर्स ओपन हो गए, लिकर शॉप्स वगैरह ओपन हो गए। तो ये तो दिक्कत इसमें तो थी ही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर थे उन्होंने मिलकर आपस में कार्टल बना लिया, तो छोटे प्राइवेट प्लेयर थे बेचारे, उनको मजबूरी में डिस्काउंट देना पड़ा। सोच के देखिए, एक दारू का ठेका यहाँ पे है, एक दारू का ठेका यहाँ पे है 2 किलोमीटर के बाद। अब जो दूसरे वाला दारू का ठेका, भैया ये तो बड़े बिजनेसमैन का है तो ये तो डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन ये वाला डिस्काउंट नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारे कस्टमर कहाँ जाते हैं, बड़े वाले के पास जाते हैं। तो छोटे वाला क्या हो जाता है, ये तो बेचारा बंद हो जाता है क्योंकि डिस्काउंट नहीं दे पाता। तो ये हुआ कि जो बड़े बड़े मालिक थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने आपस में कार्टर बना लिए और छोटे प्लेयर को नुकसान हो गया, वो बेचारे बंद हो गए। तो ये यहाँ पे जो है पूरे का पूरा इलीगल एक्टिविटी होती है, कार्टलाइजेशन इलीगल होता है।
तो इन्होंने ये सारी चीजें की और बहुत सारा जो है प्रोसीजर लैप्स वगैरह यहाँ पे हुआ। तो ये तो पूरी पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और इस पूरी कंट्रोवर्सी वजह से क्या हुआ, जहां 2019-20 में जो रिवेन्यू था गवर्नमेंट का वो 4000 करोड़ के लगभग था, पिछले जब तक ये पॉलिसी रही तो 5400 करोड़ हो गया। मतलब रिवेन्यू तो बढ़ा था सरकार का, नो डाउट, लेकिन फिर बाद में जो है सेल डाउन होने लगे, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट जो है ठेके बंद होने लगे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। और अभी बिकॉज दिल्ली में 70% से ज्यादा ठेके बंद हो गए हैं, वाइन शॉप बंद हो गई हैं, हर महीने सरकार को जो है 193 करोड़ के लगभग का मंथली नुकसान हो रहा है। तो ये छोट मतलब आई डोंट थिंक सो यूपीएससी में पर्टिकुलर सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन हमारे कैपिटल के अंदर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कई बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास आता है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, नहीं सॉरी, ईरान वाला टॉपिक पहले कर लेते हैं फिर एडिटोरियल पे जाएंगे। तो बात यह है कि ईरान के साथ अभी हम लोगों ने एक म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसके तहत हमारे जो सी फेयरर्स होते हैं, सी फेयरर का मतलब समझते हो ना, जो शिप्स वगैरह के ऊपर रहते हैं, शिप्स, ठीक है। और आपको बताता चलो, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये दुनिया की कुछ ऐसी कंट्री है, चाइना वगैरह, जहां से सबसे ज्यादा सी फेयरर जो है हमारे दुनिया में काम करते हैं। आप दुनिया में जहां मर्जी किसी भी शिप के ऊपर चले जाओ, वहां पे आपको इंडियन जो है काम करने वाले मिलेंगे। ये कुक भी हो सकते हैं, रिपेयर पर्सन भी हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ईरान और इंडिया ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, जिसमें दोनों कंट्री के जो सी फेयरर्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल कानून को ध्यान में रख के ही रखा गया है। तो एक बहुत ही इंटरनेशनल कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड एंड द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द वॉच कीपिंग द सी फेयरर्स 1978, उसके तहत ये किया गया है, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। और 2020 में जब COVID-19 भैया पूरे जोर शोर पे था, तो 75,000 टन जो है वीट हम लोगों ने अफगानिस्तान में दिया थ्रू ईरान, और 40,000 लीटर जो है मैलेथियन हम लोगों ने भेजा। ये देखें पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, एक तरह का। जब लोकस्ट अटैक हुआ था ईरान के अंदर भी हुआ, इंडिया के अंदर भी आया था, लेकिन इंडिया में इतना इंपैक्टफुल नहीं था, ईरान के अंदर थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल था, ईरान, अफगानिस्तान, वो वहां पे, तब भी हम लोगों ने पेस्टिसाइड वगैरह वहां पे भेजा था चबाहर पोर्ट के थ्रू। तो ये तो थोड़ा सा एक अभी करंट डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल रिलेशन की बात करें तो इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, समझ रहे हो ना। 1947 तक इंडिया और ईरान आपस में भैया बॉर्डर शेयर करते थे, है ना, बॉर्डर शेयर करते थे, क्योंकि देखिए जो अभी पाकिस्तान है, जो बलूचिस्तान है, तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और यहां पे आपका जाता है ईरान। लेकिन 1947 के बाद हमारे बॉर्डर अलग अलग हो गए, लेकिन ईरान के साथ हमारे बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, आज से ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारे रिलेशन है, उनके साथ हो गया है, तब से हम लोग कारोबार करते आए हैं। इंडस वैली की जो सील्स हैं, ठीक है, वो ईरान के कई सारे सिटीज में मिली हैं, जैसे किश, सूसा, उर, ये ईरान की सिटीज हैं, तो वहां पे ये मिली हैं। ये तो हो गई हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, है ना। इंडिया वहां पे सिल्वर, कॉपर, वो सब भेजा करता था। लेकिन मॉडर्न समय की अगर हम लोग बात करें, आजादी के बाद से अगर हम लोग बात करें, 15 मार्च 1950 को हम लोगों ने ऑफिशियली आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू किया था। 1956 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विजिट किया था, 59 में विजिट किया था। 1956 में जो है ईरान के जो शाह थे, बादशाह, उन्होंने जो है इंडिया के अंदर विजिट किया था। तो रिलेशन हमारे खैर काफी अच्छे हैं। फिर बाद में हम लोगों ने एक तापी पाइपलाइन, जिसको बोला जाता है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, इस पाइपलाइन की भी हम लोगों ने बात किया। फिर एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन भी हम लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, हालांकि इस पाइपलाइन के ऊपर कुछ खास ज्यादा काम हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो। बट फिर और ईरान से भैया हम लोग काफी ज्यादा क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट किया करते थे कुछ साल पहले तक, वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर हुआ करता था ईरान हमारा। फिर 2019 में क्या किया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ये ट्रंप भाई साहब की करनी धरनी थी सब कुछ। इन्होंने क्या किया, अमेरिका के अंदर एक लॉ है काट्सा, तो जिसमें अंदर अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के जो भी दुश्मन कंट्री है ये उनके ऊपर जो है सैंक्शन लगाता है, तो ईरान भी उसमें सैंक्शन था। तो इंडिया को कहा गया भाई आप ईरान से क्रूड ऑयल मत खरीदिए, हालांकि हम लोग करना तो नहीं चाहते थे ये बैन, लेकिन दिल पे पत्थर रख के हम लोगों ने इसको बैन कर दिया। तो अभी हम लोग ईरान से क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो तब से हमारे रिलेशन थोड़े से खराब होने शुरू हो गए, खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो बात नहीं रही पहले वाली। दूसरी बात, पिछले कुछ समय से ईरान और चाइना की काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं, उसकी वजह से हमारा रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। और आर्टिकल 370 जब से हटाया है इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से,
तो ईरान ने खुल के जो है पाकिस्तान का यहाँ पे सपोर्ट किया है, इंडिया की गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया है आर्टिकल 370 हटाने के लिए। तो रिलेशन थोड़ा सा खराब हुए हैं, लेकिन ईरान को भी पता है कि इंडिया बहुत जरूरी है इंडियन ओशन के अंदर, अगर उसको अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखनी है, डोमिनेंस रखना है, तो इंडिया बहुत क्रूशियल यहाँ पे प्लेयर है। और यार हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है ना, अगर अमेरिका यहाँ पे टांग में डंगा नहीं अड़ाता है तो डेफिनेटली हमारे रिलेशन तो वैसे अच्छे हैं ही, ठीक है। चबाहर पोर्ट वाला इशू आपको अच्छे से पता ही है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, है ना। राइट, चलिए वो सारी चीजें थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वो आंगनबाड़ी सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी बहुत क्रूशियल है, देखिए मुझे आपका पता नहीं, आजकल के सिटीज में तो लोग आंगनबाड़ी में जाना बंद कर दिया है ना, आजकल तो प्री स्कूल खुल गए हैं, प्री स्कूल तो आजकल तो प्री स्कूल में भेजते हैं, लेकिन गांव गांव में अभी भी आप जाओगे, छोटे सिटीज में, कस्बों में जाओगे, तो वहां पे प्री स्कूल वाला ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आंगनबाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ना। मुझे पता है हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, हम भी आंगनबाड़ी में जाते थे, गांव में आज भी बच्चे जो है आंगनबाड़ी में जाते हैं, वहां पे उनको राशन भी मिलता है डेली, पंजीरी मिलती है ना। मुझे अच्छे से याद है मेरा जो नेफ्यू था वो आंगनबाड़ी जाया करता था, तो मैं उसको लेने जाया करता था, मैं ऐसे पंजीरी लेके आया करते थे, खाया करते थे उसको, मस्त एकदम बढ़िया बनता है। तो आंगनबाड़ी का रोल बहुत क्रूशियल हुआ करता था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली आंगनबाड़ी की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती नजर आ रही है। तो आंगनबाड़ी जो सिस्टम है इंडिया में वो जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम का पार्ट है, और ये काफी पुराना सिस्टम है इंडिया में, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर सबसे पुराना ये सिस्टम है, ठीक है। 1970s हम लोगों ने शुरू किया था और तब से जो है आंगनबाड़ी जो है शुरू होती है। तो होता क्या है इसमें, जो 6 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनका जो हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन, उनकी जो एजुकेशन नीड्स यहाँ पे फुलफिल की जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अभी कुछ समय से, कुछ सालों में, बेसिकली हम बात करें पिछले 8-10 सालों में 70% जो चिल्ड्रन है जो 6 साल से कम के होते हैं वो आंगनबाड़ी में नहीं जा रहे हैं, उनके अटेंडेंस बहुत कम हो गई है, ठीक है। क्योंकि जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में नहीं भेजना चाहते, उनका ये मानना है कि आंगनबाड़ी उनके बच्चों की प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है। इसके क्या क्या रीजन हो सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। देखिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आंगनबाड़ी का रोल क्या है, सरकार आंगनबाड़ी को किस रोल में देखना चाहती है और पेरेंट्स आंगनबाड़ी को किस रोल में देखना चाहते हैं, है ना। दोनों के जो रोल्स होते हैं वो सिग्निफिकेंस होता है, वो आपस में मैच करना चाहिए। देखिए पेरेंट्स आर रूटीनली एड्रेस्ड एज द बेनिफिशियरी, सरकार के तहत सरकार ये मानती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो आंगनबाड़ी के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या मानते हैं, पेरेंट्स ये मानते हैं कि आंगनबाड़ी जो है एक एजुकेशन का सेंटर होना चाहिए। सरकार मानती है कि आंगनबाड़ी में एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों की जो एस्पिरेशन है बेसिकली वो आपस में अलाइन नहीं करती है। आजकल के पेरेंट्स सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, एजुकेशन के ऊपर करते हैं मोस्टली। जब ये सर्वे किया गया तो मोस्टली पेरेंट्स ने ये कहा कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हैं। अब आपको यह पता है कि आंगनबाड़ी के अंदर इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो भैया आप अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में क्यों भेजेंगे, वो तो अपने बच्चों को दूसरी जगह पे भेजेंगे, सीधी सी बात है। आंगनबाड़ी में जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं यूजली वो लोकल लैंग्वेज में दी जाती है, और खेलने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आंगनबाड़ी का मेन पर्पज ही यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने दिया जाए, अगर उस खेल खेल में कुछ सीखते हैं तो उनको सीखने दिया जाए, और उन बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, उनके जो मोटर स्किल्स होते हैं उसको डेवलप किया जाए। देखिए आंगनबाड़ी में जब बच्चा जाएगा वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, कूदेगा, राइट, उनको थोड़ा बहुत उनको पेंसिल वेंसिल सब पकड़ाई जाती है, थोड़ा पेंसिल को पेपर पे ऐसे वैसे करते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उससे उनके मोटर स्किल डेवलप होते हैं, ठीक है। ये मेन पर्पज होता है आंगनबाड़ी का, लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। पेरेंट्स को यह लगता है कि बच्चे जब आंगनबाड़ी में जाए तो इंग्लिश भी सीखें, वो मैथमेटिक्स भी सीखें, जिसकी जो आंगनबाड़ी में नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चे को प्री स्कूल में डाल देते हैं जो कि प्राइवेट ओन्ड होते हैं, जहां पे बच्चों को रोट लर्निंग करवाई जाती है, छोटी सी एज में ही बच्चों को रट्टा मरवाना शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी, है ना, वो सब मरवाना शुरू कर देते हैं बच्चा। तो बच्चे का जो है स्किल, क्रिटिकल स्किल डेवलप ही नहीं हो पाते बच्चे के, बच्चे के मोटर स्किल डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमारे आंगनबाड़ी सिस्टम के अंदर चल रही है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है और पेरेंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। तो क्या क्या चीजें आगे जो है हो सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देखिए बच्चे को जो है अर्ली एज में आप जिस लैंग्वेज से एक्सपोज करते हो बच्चा उसी लैंग्वेज को सीखता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बच्चे को बचपन से इंग्लिश सिखाना शुरू कर दे तो इंग्लिश सीखेगा, पंजाबी सिखाना शुरू कर देगा तो पंजाबी सीखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंगनबाड़ी में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, इट्स अ थिंग,
साथ के साथ लोकल लैंग्वेज को भी डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि घर में बच्चे जो है वो इंग्लिश में बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा बेसिकली उसी लैंग्वेज में फ्लुएंट होता है जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है ना। गांव में आप देखते हो बच्चा प्री स्कूल में जाता है वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, घर में आता है तो घर में वही अपनी देसी भाषा चल रही है या हिंदी चल रही है, जो भी चल रही है ना। तो उससे बच्चा जो है कंफ्यूज ज्यादा होता है। तो बच्चा जो घर में लैंग्वेज बोली जाती है उससे ही ज्यादा फ्लुएंट होते हैं। आपने भी चीज फील किया होगा, हम लोगों ने भी चीज फील किया है, राइट। तो एक तो वो चीजें हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोग पेंसिल वेंसिल हाथ में दे देते हैं, जिससे बच्चा जो है पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है स्क्रिबलिंग करता रहता है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे बनाता रहता है ना, छोटे बच्चे की आदत होती है। तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि बच्चों का मोटर स्किल डेवलप हो, ताकि बड़ा होने के बाद वो लैंग्वेज लिखना सीख सके। यही तो मेन पर्पज होता है ना बच्चों को पेंसिल देने का। दूसरी बात ये होती है, जब आंगनबाड़ी में 8-10 बच्चे 20 बच्चे आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनके बड़े फन वे में जो है उनको मैथमेटिक्स सिखाया जाता है ना, एस्टिमेशन के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू वगैरह। वो इस तरह के कुछ कुछ खेल होते हैं, खिलौने होते हैं बच्चों के ना मैथमेटिक्स सिखाने के। तो दो चीजें बच्चा यहाँ पे डालेगा, इसमें से निकाल के यहाँ पे डालेगा, उसमें से निकाल के। तो इससे बच्चों के मैथमेटिक्स स्किल जो है अच्छे से डेवलप होते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है वो साइंस की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सके। एक तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे ये बताई हुई। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं उनका एक डेली शेड्यूल होता है, जिस डेली शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का जो खेल होता है, प्ले होता है, जो अपने आप खेलता है फ्री माइंड से, और जो टीचर ओरिएंटेड जो खेल हो एक्टिविटी होती है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। देखिए बच्चा आंगनबाड़ी में पूरा दिन तो नहीं जाता, 2-3 घंटे के लिए ही जाता है। तो 2-3 घंटे में भैया क्या क्या करवाओगे आप उनको? न्यूमेरिकल स्किल करवाओगे, उनको खिलाओगे, उनको न्यूट्रिशन दोगे, तो क्या क्या कर सकते हो? तो बैलेंस बना के चलने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, क्या हम लोग आंगनबाड़ी में इस तरह के शिक्षा चौपाल नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पेरेंट्स से पूछिए कि उनकी क्या उम्मीद है, पेरेंट्स को बताइए कि क्या बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पेरेंट्स को घर में बिहेव करना चाहिए, मतलब वो सारी चीजें हम बच्चों को सिखा सकते हैं अगर आंगनबाड़ी में हम लोग पेरेंट्स को इन्वाइट करेंगे। लेकिन आपको भी पता है ना, गाँव वाँव में आंगनबाड़ी में कोई भी पेरेंट्स नहीं जाता है यूजली, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। बाकी अगर पेरेंट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टेक होल्डर बनाएंगे तो शायद आंगनबाड़ी सिस्टम के अंदर पेरेंट्स का विश्वास जो है दोबारा से जागेगा, तो आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जैसे मोदी जी ने भी कहा था अभी 75th इंडिपेंडेंस डे पे कि हम लोगों को भागीदारी करनी पड़ेगी, इंडियन सिटीजन को भागीदारी करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इंडिया को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी सिस्टम के अंदर भी जो है अभिभावक भागीदारी यानी कि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि आंगनबाड़ी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ये कुछ कुछ चीजें जो लास्ट वाले 2 पॉइंट हैं आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो ये पूरे आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से मेंस के लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ द आंगनबाड़ी कैन बी वेरी क्रूशियल इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सिस्टम एंड सजेस्ट सम फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब यह है आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो 150 वर्ड में आपको ये लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। खैर, एक छोटा सा आर्टिकल जो है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। सेंसेक्स जो है भैया 1.5% नीचे डाउन चला गया है, क्योंकि अमेरिका का जो फेड है, फेडरल जो बैंक है उनका, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो ये कोई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा फैक्चुअल सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ खास था नहीं, कुछ एडिशनल आर्टिकल दोस्तों हमारे पास है, जैसे अगर आपका टाइम हो तो पढ़ सकते हो। तो ये बर्ड सेंचुरी के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, ये चाइना के जो है 20th पार्टी कांग्रेस है उसके बारे में थोड़ा सा है, थोड़ा अगर मन करे तो पढ़ो, हालांकि खास इंपॉर्टेंट मुझे मजेदार नहीं लगा है। राम सेतु को लेके जो पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको जो है अभी अर्जन कर दिया गया है। राम सेतु इशू हम लोग पास्ट में अच्छे से कर चुके हैं, फ्यूचर में जब इसको लेके कोई और अच्छी डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली इसको अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।